हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो दो आवेशों को अनंत से परस्पर नज़दीक लाकर किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, मीन्स आवेशों का जो बहुत सारा सिस्टम है, ठीक है, निकाय है, निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बिंदु आवेशों के कारण क्या है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले लेंगे हम लोग दो बिंदु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो दो बिंदु आवेशों के कारण क्या है निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम लोग को देखना है। ठीक है, तो पहले क्या है, दो बिंदु लेते हैं, बिंदु ए और बी, जिस पर क्या है ए पर बिंदु क्या है आवेश Q1 लेते हम लोग। यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि जो आवेश Q1 है बिंदु ए पर है और जो आवेश Q2 है वो दोनों वो क्या है बिंदु बी पर है। ठीक है, अब क्या है हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो दोनों आवेश हैं वो दोनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के कारण क्या है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो दोनों आवेश है वो दोनों क्या है अनंत पर है। तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य और अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो हम लोग ये चीज भी मानते हैं कि अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या है W1 है स्थितियों के कारण, और अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य क्या है W2 है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा क्या है निकालते हैं कि दोनों आवेशों की स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या होगा W इक्वल टू W1 प्लस W2। इसको हम लोग क्या है समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो सर्वप्रथम क्या करते हैं Q1 को अनंत से मींस Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं। तो क्या है वहां पे किया गया कार्य क्या होगा शून्य होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी विद्युत ऊर्जा प्रारंभ में अस्तित्व नहीं होता है, किसी भी विद्युत ऊर्जा का प्रारंभ में अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो अगर वहां पे विद्युत ऊर्जा का अस्तित्व नहीं होगा तो वहां पे कार्य भी क्या होगा जीरो होगा, मींस W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब देखो Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है विभव निकालना है। Q1 के कारण बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R12, क्योंकि यहाँ की दूरी क्या है R12 है। अब देखो हम लोग को आवेश Q2 को, ठीक है, Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, मींस इस Q2 आवेश को अनंत यहाँ पे है यहाँ से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा W2 इक्वल टू Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, इसके कारण बिंदु B पर जो विभव आया है इंटू Q2 हो जाएगा, आवेश Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू क्यू यहाँ पे Q2 हो जाएगा। ठीक है, यार ये क्या होगा R12 का तो R12 ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण एक में मान रखेंगे W1 इक्वल टू क्या आया था जीरो आया था, W2 इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 आया। ठीक है, तो समीकरण एक में मान रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, W1 इक्वल टू जीरो है, W2 इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये किया गया कार्य ही क्या होता है स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये क्या है दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा है। अब देखो एक स्थिति आती है, ठीक है, एक विशेष परिस्थिति आती है जो कि अगर Q1 Q2 का मान अगर क्या है ग्रेटर देन जीरो है तो क्या है यहाँ पे क्या होगा धनात्मक कार्य होगा। क्यों? क्योंकि Q1 जो है धनात्मक आवेश है और Q2 जो है इसको अनंत से हम लोग यहाँ पे लाते हैं तो वो भी धनात्मक अगर कार्य है, ठीक है, तो वे एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करेंगे तो यहाँ पे जो कार्य होगा वो क्या होगा धनात्मक होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर Q1 Q2 अगर लेस देन जीरो है तो यहाँ पे कौन सा कार्य होगा ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ही तीन बिंदु आवेशों के कारण निकाय की क्या निकालना है हम लोग को स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, अब तीन बिंदु आवेश क्या क्या है यहाँ पे दो था तो ए बी सी है। ठीक है, ए पर क्या है Q1 आवेश है, बी पर क्या है Q2 आवेश है और सी पर क्या है Q3 आवेश है, और इसकी जो दूरी दी हुई है इसका R12 है Q1 से Q2 का और Q2 से Q3 का क्या है R23 है और Q3 से Q1 का क्या है R31 है। ठीक है, अब देखो
तीनों स्थितियां, ये भी क्या है, तीनों आवेश क्या है अनंत पे है, तो अनंत से क्या है बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या है डब्ल्यू वन है, अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य क्या है डब्ल्यू टू है, और अनंत से बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य क्या है डब्ल्यू थ्री है। ठीक है, तो तीनों आवेशों की स्थितियां को लेकर जो किया गया कार्य है डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री। तो हम लोग यहाँ पे जैसे निकाले थे अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है, तो यहाँ भी शून्य हो जाएगा क्योंकि वहां पे विद्युत ऊर्जा की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो बिंदु बी पर स्थित क्या है Q2 आवेश के कारण हम लोग को उस पर क्या निकालना है कार्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू टू इक्वल टू आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर विभव। ठीक है, बिंदु बी पर विभव क्या आया था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 अपॉन आर वन टू। ठीक है, ये आया था बिंदु बी पर विभव। ठीक है, और इंटू क्यू टू यहाँ पे जैसे किए थे सेम वही चीज यहाँ पे कर देंगे डब्ल्यू टू इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चूंकि होता है कार्य इक्वल टू क्या होता है वी इंटू क्यू, जहां पे वी क्या है विभव है और क्यू क्या है आवेश, मीन्स कार्य इक्वल टू विभव इंटू आवेश होता है। ठीक है, अब देखो तीसरे आवेश जो सी थ्री है सॉरी सी है, इसको अनंत से बिंदु ये सी तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा डब्ल्यू थ्री इक्वल टू, अब देखो क्यू वन क्यू टू के कारण जो किया गया कार्य होगा इंटू क्यू थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन आर वन थ्री। ठीक है, प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू टू अपॉन आर टू थ्री इंटू क्यू थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन टू प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री। ठीक है, अब देखो समीकरण एक में हम लोग क्या करेंगे मान रख देंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू वन इक्वल टू क्या है जीरो है, मीन्स जीरो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जीरो प्लस। ठीक है, अब डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू का मान क्या आया है हम लोग के पास वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू, ये देखो इसका है। अब डब्ल्यू थ्री के कारण क्या मान आया है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री और वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री। ठीक है, अब ये जो है ये जो किया गया कार्य है यही स्थिति ऊर्जा होती है, तो ये दो बिंदु आवेशों के कारण स्थिति ऊर्जा है और ये तीन बिंदु आवेशों के कारण स्थिति ऊर्जा है, यह है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। थैंक यू।